गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन का अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। सब्ट्रैक्शन हमने जाना था क्या होता है, घटाना, माइनस करना, कम करना, ठीक है। हमने सीखा था ये टेक अवे करके, क्रॉस करके कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। आपको याद होगा आप हमने किस तरह से किया था, ठीक है। 3 - 1 - 2 हमने कट करके सब्ट्रैक्शन सीखा था, है ना, याद है आपको। 4 - 2 है तो 4 लैंप में से हमको 2 माइनस कट, 2 लैंप्स हमने काट दिए, कितने लैंप्स बचे, 1 - 2, तो 2 हमारा आंसर आ गया था, याद है आप सभी को। और हमने ये नंबर स्ट्रिप वाला भी सीखा था, जितना माइनस करना है उतनी जंप हम पीछे लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। जैसे 8 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आता 8, और कितनी जंप पीछे गए हम, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 जंप हमने पीछे ली, और कहाँ पहुँच गए हम, 2 पर। इस तरह से किया था हमने लास्ट क्लास में। तो चलिए उसके आगे से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करेंगे आज हम, कि नंबर्स को एक के नीचे एक रखकर हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम सीखेंगे आज। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सीखते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। देखिए हमको करना है 5 - 3 = हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो एक तरीका होता है हम टेक अवे करके या कैंसिल करके कर सकते हैं, एक होता है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। वर्टिकल होता है सीधा, तो एक के नीचे एक रख के हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो देखिए चलिए करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है दोनों में से, 5 बड़ा है 3 5 बड़ा है, तो 5 को रखेंगे हम ऊपर, 3 को रखेंगे नीचे, ऐसे लाइन डाल देंगे और यहाँ साइन डाल देंगे हम माइनस का। क्लियर हुआ इतना कि रखते कैसे हैं इनको, लिखते कैसे हैं। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, कितना नंबर है, 5 लिखा है, तो हम 5 लाइंस डालेंगे, ठीक है। चलिए 5 लाइंस डालते हैं, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 हो गई 5 लाइंस। अब देखिए उसके नीचे कितना नंबर लिखा है, ये वाला कितना नंबर है, ये 3 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 5 लाइंस डाली ऊपर, इसमें से 3 लाइंस को हम कट कर देंगे, 3 लाइंस को हम कट कर देंगे। चलिए 3 लाइंस को कट कर देते हैं हम, 1 - 2 - 3 3 लाइंस हमने कट कर दी। अब कितनी लाइंस बची हमारे पास, कितनी लाइंस बची हमारे पास, 1 - 2 2 लाइंस बची हमारे पास, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर नीचे। ये हो गया हमारा आंसर कि अगर 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना बचता है, 2 बचता है, क्लियर, आ गया हमारा आंसर 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दोबारा करके देखते हैं। यहाँ से कोई एग्जांपल लेते हैं हम करते हैं 6 - 2 ये वाला करते हैं, चलिए ठीक है। तो उसी तरीके से लिखेंगे हम इसको भी,
चलिए सबसे ऊपर क्या है, सिक्स, कितना माइनस करना है हमको, टू, तो टू लिखेंगे नीचे सिक्स के, आगे डालेंगे माइनस का साइन, नीचे आएंगी तो लाइन, ठीक है। अब मैंने तरीका बताया था आपको सब्ट्रैक्शन करने का क्या था, कि जो नंबर ऊपर लिखा है उतनी हमको क्या डालनी है, बताइए क्या डालनी है, उतनी लाइंस, वेरी गुड, इतनी हम यहाँ पे लाइंस डालेंगे। चलिए लाइंस डालते हैं, कितना है सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लाइन डाल ली हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर लिखा है यहाँ पर, जो ये नंबर लिखा है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम, इतनी लाइंस हम कट कर देंगे। चलिए कट कर देते हैं लाइंस, वन टू, टू लिखा था हमने, टू लाइंस कट कर दी। अब देखिए कितनी लाइंस बची हमारे पास, वन टू थ्री फोर, फोर लाइंस बची हमारे पास जो हमने कट नहीं करी, जो बच गई, तो फोर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फोर हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला एग्जांपल आप मेरे साथ करिएगा, कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए, ठीक है, मैं करता जाऊंगा और आप करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जल्दी से कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए, इतनी देर वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, और जब आप पेंसिल और कॉपी निकाल लें तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा दोबारा। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ अगला एक और, इतने इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, रफ कॉपी में, ठीक है, रफ कॉपी में। चलिए क्वेश्चन है, सेवन माइनस फोर, क्या करना है अब हमें, सेवन में से फोर को माइनस करना है। तो आप सबने निकाल लिया अपनी नोटबुक, तो चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा है इतनी लाइंस डालेंगे, इतनी लाइंस डालेंगे सबसे पहले हम, तो कितना नंबर लिखा है बोलिए, सेवन, तो सेवन लाइंस डालते हैं। चलिए वन दोबारा डालते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लाइंस डाल ली हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या करेंगे अब हम, जो नंबर सेवन के नीचे लिखा है उतनी लाइंस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वेरी गुड, कट कर देंगे। चलिए कट कर देते हैं हम, कितना नंबर लिखा है फोर, तो फोर लाइंस यहाँ पे हम कट कर देते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर लाइंस हमने कट कर दी। अब कितनी लाइंस बची हमारे पास, वन टू थ्री, थ्री लाइंस बची हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। आ गया आंसर आप सभी का भी, बताइए आ गया ना, आसान था, बहुत इजी था सीखना, आप सब सीख गए होंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे बुक के अंदर, कर सकते हैं आप। ठीक है, बुक के अंदर कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ बुक में आप किस तरह से करेंगे। एट माइनस फोर, तो एट लाइंस डाली हमने और फोर लाइंस कट कर दी, तो कितनी लाइंस बची हमारे पास, वन टू थ्री फोर, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे फोर। ऐसे ही सिक्स माइनस टू कैसे करेंगे, सिक्स लाइंस डालेंगे पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और कितनी लाइंस काट देंगे इसमें से, टू, वन टू, टू लाइंस काट दी हमने,
कितनी लाइंस बची हमारे पास, 1, 2, 3, 4, यहाँ आ जाएगा 4 हमारा आंसर है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व एंड टिक द करेक्ट, अब हमें इनको सॉल्व करना है और सही आंसर पर टिक करना है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बताइएगा आंसर। सीमा हैज 7 एप्पल्स, सीमा के पास 7 एप्पल्स हैं। शी गिव्स 1 एप्पल टू हर ब्रदर, शी गिव्स मतलब देना, वो एक एप्पल अपने भाई को दे देती है। तो हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर, लेफ्ट मतलब बचा हुआ, तो बताना है कि उसके पास कितने एप्पल्स बचे। सीमा के पास 7 एप्पल्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एप्पल्स थे, एक एप्पल उसने अपने भाई को दे दिया, तो कितने एप्पल्स बचे उसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एप्पल्स बच गए उसके पास। तो हम किस पे टिक कर देंगे, 6 पर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। मीरा हैड 9 लॉलीपॉप्स, मीरा के पास 9 लॉलीपॉप्स हैं। लॉलीपॉप पता है क्या होता है, चूसने वाली होती है, गोल गोल, आप यहाँ देख सकते हैं लॉलीपॉप। शी गेव 2 लॉलीपॉप्स टू पिंटू, शी गेव उसने दे दिए 2 लॉलीपॉप्स टू पिंटू, उसने उसमें से 2 लॉलीपॉप्स पिंटू को दे दिए। हाउ मैनी लॉलीपॉप्स डज मीरा हैव नाउ, अब हमें बताना है कि मीरा के पास अब कितने लॉलीपॉप थे। पहले 9 थे उसके पास, 2 उसने पिंटू को दे दिए, तो बताइए कितने बचे मीरा के पास। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, यहाँ आएगा 9 माइनस 2, क्या करेंगे, 9 लाइंस खींचेंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कितनी लाइंस काट देंगे हम, 2 लाइंस हमने काट दी, तो कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बची, तो मीरा के पास कितनी लॉलीपॉप्स बची, 7, हम 7 पे टिक कर देंगे, क्लियर। चलिए थर्ड पे आते हैं। अब हम यू हैव 8 इरेजर्स, यू मतलब तुम या तुम्हारा, आपके पास तुम्हारे पास 8 इरेजर्स हैं। इरेजर पता है सबको, रबड़ जिससे हम मिटोते हैं, 8 इरेजर्स हैं। यू गिव 3 इरेजर टू योर ब्रदर, और आपने 3 इरेजर अपने ब्रदर कौन होता है, भाई, आपने भाई को दे दी। हाउ मैनी इरेजर्स आर लेफ्ट नाउ, अब बताना है कि आपके पास कितनी इरेजर बची, 8 थी, 3 हमने दे दी, तो कितनी बची, चलिए निकालते हैं। हमारे पास 8 इरेजर्स थी, 8 में से हमने 3 दे दी, है ना, चलिए निकालते हैं। तो 8 लाइंस डाल लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी इरेजर दे दी हमने, 3, तो 3 माइनस कर देंगे उसमें से, 1, 2, 3, अब कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर आ गया 5 इरेजर्स बची हमारे पास, 5 पे हम टिक कर देंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देयर वर 6 बटरफ्लाइज, 6 बटरफ्लाइज थी, ठीक है, बटरफ्लाई सभी को पता है, तितली। 4 ऑफ देम फ्लू अवे, फ्लू मतलब उड़ जाना, उसमें से 4 उड़ गई, टोटल 6 बटरफ्लाइज थी, 6 में से 4 उड़ गई। हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर वर लेफ्ट नाउ, तो बताना कि कितनी बटरफ्लाई अब रह गई, बच गई, कैसे करेंगे, 6 माइनस 4,
कर लीजिए, 6 लाइंस डालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और कितनी लाइंस काटनी है हमें यहाँ पर, 4, 1 2 3 4 लाइंस हमने काट दी। कितनी लाइंस बची है हमारे पास, 2, 2 हो गया हमारा आंसर और 2 बटरफ्लाईज अब बची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एवरी 5th नंबर एंड टिक एवरी 10th नंबर। देखिए क्या करना है, हर 5th नंबर को हमें क्रॉस करना है और हर 10th नंबर को हमें टिक करना है। चलिए करते हैं इसे, 1 2 3 4 5, 5th नंबर को हमें क्रॉस, ठीक है, और 10th नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को टिक करना है। फिर से 5th नंबर को क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5, और 10th नंबर को टिक कर देंगे 6 7 8 9 10। फिर से 5th नंबर को हम क्रॉस कर देंगे और 6th नंबर को टिक कर देंगे, 5th को क्रॉस, 10th को टिक, 5th क्रॉस, 10 टिक, 1 2 1 2 3 4 5, 5th को क्रॉस और 6 7 8 9 10, 10th को टिक कर देंगे, 5th नंबर क्रॉस, 10th नंबर टिक, 5th नंबर क्रॉस, 10th नंबर टिक, 2 3 4 5 क्रॉस, 6 7 8 9 10 टिक, 1 2 3 4 5 क्रॉस, 6 7 8 9 10 टिक। फ्रॉम द अबव राइट, वॉट इज द डिफरेंस इन ईच बिटवीन 10 मार्क नंबर, इज इट इक्वल। चलिए अब बताइए कि यह हर 10th पे जो हमने टिक किया है वो इक्वल है, मतलब हर इक्वल नंबर के बाद आ रहा है। बिल्कुल हाँ, हर जो हमने 10th पे टिक किया है वो इक्वल नंबर के बाद ही आ रहा है, वो हर 10 नंबर के बाद आता है। जैसे हमने 40 को अगर टिक किया है तो अगला टिक कितनी नंबर के बाद आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगला 10 के बाद आया, ऐसे ही फिर से 10 के है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा या अपने बड़े भाई बहन एल्डर सिस्टर ब्रदर से हेल्प ले लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा ये सारा काम। ठीक है, नोटबुक का जो भी काम रहेगा वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। क्लियर, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।